सारे फसाद की जड़ तो वो नशा है। पता नहीं उसने करण को कौन सी पट्टी पढ़ाई कि करण अच्छे बुरे के बीच में फर्क ही नहीं कर पा। वैसे तो मैं माफी के लायक हूँ ही नहीं, लेकिन लेकिन अगर अंकल जी ने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं वो घर छोड़कर चली जाऊँ। करण नहीं दिखाई दे रास्ता खुद पर। पापा जी वो डॉक्टर से बात कर रहे हैं, अभी आते ही होंगे, मैं बुला लेती हूँ। क्या रही हो? जाओ यहाँ से, ले ली ना दवा। हाय। हाय। आज कैसा फील कर रही हो? ठीक हूँ। चलो आज तो अपना नाम बता दो। मैं हर दिन तुमसे मिलने आता हूँ, तुमसे तुम्हारा नाम पूछता हूँ, तुम नाम ही नहीं बताती। मैं भी तो तुम्हें हर दिन बोलती हूँ कि मुझे मेरा नाम नहीं याद, कुछ भी याद नहीं है मुझे। अच्छा एक बात बताओ, मैं देखता हूँ तुम किसी से बात नहीं करती, कोई तुमसे मिलने नहीं आता, तुम्हारा कोई अपना नहीं है क्या? है ना। कौन? तुम। तुम जो आते हो रोज मुझसे मिलने, क्या सोच रही हो? मैं यही सोच रही हूँ कि मेरा वजूद क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जाऊंगी, कोई अपना है या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। कमाल है, अभी तो तुमने कहा कि मैं तुम्हारा अपना हूं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज से मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं बनूंगा तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे हर सुख और दुख में तुम्हारा साथ दूंगा। रुद्र। जितनी सुंदर हो ना उसे तुम्हारा एक ही नाम हो सकता है, गौरी। आज से तुम गौरी। गौरी। गौरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू रुद्र एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू क्यों? थैंक यू मुझे मेरी पहचान देने के लिए, एक नई जिंदगी देने के लिए और इतना प्यार करने के लिए। तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, बर्दाश्त की भी हद होती है, मैं अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज 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 मुझे जाने दो।
प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा। प्लीज मत जाओ। देखो तुम जैसा कहोगे ना मैं वैसा करूंगा। गौरी प्लीज मत जाओ प्लीज। मैं गौरी नहीं हूँ, मैं गौरी नहीं हूँ। मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है, मुझे याद आ गया है कि मैं कौन हूँ। प्लीज प्लीज मुझे मेरे अपनों को ढूंढने जाने दो। प्लीज रुद्र प्लीज। गौरी मैं हूं ना तुम्हारा अपना, तुम्हारा रुद्र और तुम मेरी गौरी। रुद्र और गौरी अलग नहीं हो सकते। प्लीज गौरी छोड़ो मुझे रुद्र। क्या करूंगा मैं तुम्हारे बगैर, मर जाऊंगा। मर जाओगे तो जाओ, जाके मर जाओ। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। गौरी रुद्र को छोड़कर नहीं जा सकती। गौरी देखा, गौरी भगवान ने हमें फिर से मिला दिया ना, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि रुद्र और गौरी तो बने ही एक दूसरे के लिए हैं। रुद्र और गौरी हमेशा एक साथ। डैड, अगर नाशा इस घर से गई तो मैं इसी वक्त ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तू जाना चाहता है, जाना चाहता है ना? जा, जा। मैं सोचूंगा, डॉली जी ने तुझे नहीं आस्था पुत्र को जन्म दिया है। पर एक बार मेरा नकरण, आज के बाद तेरा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। कहां जा रहा है मुझे अकेला छोड़कर? चाहे मुझे माफ कर दीजिए डैड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ना पुत्र ना। तू मेरा सबसे सोना पुत्र, आपने मुझे माफ कर दिया ना डैड। डैड नशा को भी माफ कर दीजिए प्लीज, मेरे लिए प्लीज। आगे से वो ये गलती कभी नहीं करेगी, वो ये सब जानबूझ के नहीं करती डैड। वो बीमार है ना इसलिए, और वैसे भी उसे कौन सा जिंदगी भर हमारे घर में रहना है। हम नाइशा के लिए जल्दी से जल्दी कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी करा देंगे, उसके बाद वो अपने पति के घर चली जाएगी। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है पुत्र,
तू कहता है तो मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा, पर याद रहे ये लड़की हमारे घर में ज्यादा दिन ना रहे। ठीक है डैड। आंसू पोछ ले पुत्र, रोता हुआ तू बहुत बुरा लगता है। तू हंसेगा तो तभी तेरे डैड हंसेंगे ना। डैड आपकी आंखों में भी आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जा घर जा। नहीं डैड, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। पर पुत्र घर पे भी तो किसी का होना जरूरी है। यार आस्था घर पे सब संभाल लेगी, अभी मुझे यहां रहना है। बचपन से जिद्दी है, और मैं भी तेरी हर जिद पूरी करता आया हूं। फिक्र ना कर, मुझे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। आंटी जी, I'm sorry आंटी जी, please मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आंटी जी, but आइंदे से ऐसा नहीं होगा आंटी जी, I promise। मैं आपकी कसम खा के कहती हूँ आंटी जी। नाइशा, जितना जल्दी हो सके इस घर से बाहर जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि करण खुद तुम्हें थक्के मार के इस घर से बाहर निकाले। आस्था ऐसा मत कहो प्लीज, प्रॉमिस मैं खुद चली जाऊंगी, बस एक बार मुझे माफ कर दो प्लीज। अगर आप लोग मुझे माफ नहीं करोगे ना, तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, और मेरी गलती की वजह से ही अंकल जी और करण में बहस हुई, बट प्लीज आंटी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। देखो मैं तो आपकी बेटी की तरह हूं ना। बेटी की तरह? तो जैसी बेटी से अच्छा है औलाद ही ना हो। नरक बनाकर रख दिया है इस घर को तूने। आंटी जी ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज आंटी जी प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए प्लीज। बस नशा बस, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा इस ढोंग का, जाओ यहां से। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी जब तक आंटी जी आप मुझे माफ नहीं कर देती। आपको पता आंटी जी, जब से आई हो ना तब से मैंने कुछ भी नहीं खाया, एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला है सच में। नाइशा, सुधर जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, और जल्द से जल्द मेरे घर से निकल जाओ, वरना सच में मैं तुम्हारा कुछ कर दूंगी, समझी तुम? I'm sorry. जी बहुत सोना मुंडा पैदा किया है तुसी, रात भर
सोया नहीं, लगा रहा मेरी सेहत में। कैसी बातें कर रहे हैं डैड, अगर मैं आपकी सेवा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? मुझे आज भी याद है, बचपन से आप मेरी सारी जिदें पूरी करते आए हैं। करण पुत्र, माँ बाप का तो काम ही है बच्चों की गलतियां माफ करना। पर जब कोई बच्चा इस तरह से सेवा करता है ना माँ बाप की, तो उनका सीना चौड़ा हो जाता है। मैं तो जानती थी कि मेरे वीर जी है ही बेस्ट। अरे वाह, मैं अपने पुत्र की तारीफ कर रहा था और सारा क्रेडिट तू ले गई। अरे पुत्र, अरे क्या पापा जी, आप बिल्कुल नहीं रोगे, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। नहीं, नहीं। ओ ना पुत्र ना, एक तू ही तो है मेरी, तू मत रोटना वरना फिर बीमार पड़ जाऊंगा। नहीं नहीं पापा जी, आपको जल्दी ठीक होना है। मैं चाहती हूँ कि आप हम सबके साथ घर चले, आपके बिना घर में मजा ही नहीं आता। क्यों, मैं कोई जोकर हूं क्या? ओ ना आस्था पुत्र ना, रोते नहीं पुत्र, रोते नहीं, तू रोया ना कर, कुछ नहीं हुआ मैनू, एक तू ही तो है जिसने सारे घर को जोड़ रखा है। पता है करण कल रात एक पल के लिए नहीं सोया, सारी रात उसे यही चिंता थी कि आस्था सोई कि नहीं। अरे कितना सोहना परिवार मिला है मुझे, बस तू रोया मत कर। पापा जी, आपने जितना हमें प्यार दिया है शायद ही कोई नहीं, आपकी वजह से ही हमारे परिवार में प्यार और एकता है। भगवान करे हमारे परिवार को किसी की नजर ना लगे। और तू चिंता ना कर, जब तक मैं हूं कोई इस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। डैड, वो नायशा आपसे माफी मांगना चाहती है, पर वो आपके सामने आने से डर रही है। ना पुत्र, उसे यहां मत आने दे, बड़ी मुश्किल से मल्लू जी की तबीयत ठीक हुई है। और डॉली जी, बच्चे गलतियां करेंगे और बड़ों को उन्हें माफ करते रहना होगा, इसी में बड़ों का बड़प्पन होता है। जा पुत्र, बुला ला उसे। पर भल्लू जी, जिस लड़की की वजह से आज आप हॉस्पिटल में ऐसे पड़े हुए हैं, आप उसे माफ कर देंगे? आप कैसे भूल सकते हैं उसने क्या क्या किया था आपके साथ, दीदी के साथ, हमारे साथ? डॉली जी, जमाने के साथ चलना सीख लो, बच्चों का काम है गलतियां करना, बड़ों का काम है माफ करना। और वैसे भी कौन सा वो लड़की हमारे साथ हमेशा रहने वाली है, एक बार उसकी शादी हो गई तो वो घर से चली जाएगी ना।
वो लड़की शादी के लिए कभी राजी नहीं होगी। चिंता ना कर पुत्र, रब कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देंगे। हेलो। हाँ करण, कहाँ पे हो? हाँ मैं हॉस्पिटल आ गई हूँ। मैं अभी रिसेप्शन पे ही हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम बताओ, मैं खुद आती हूँ। गौरी, गौरी, गौरी कैसी हो तुम और कहाँ चली गई थी? कौन कौन गौरी? हाँ मैं किसी गौरी को नहीं जानती। गौरी, मैं तुम्हारा रुद्र, तुम मेरी गौरी। मैंने कहा ना, मैं नहीं जानती किसी गौरी को। आपको कोई गलत फहमी हुई है। तुम मजाक कर रही हो ना मेरे साथ? प्लीज प्लीज मजाक मत करो। देखो गौरी, तुम्हें याद है हम ऐसे किसी हॉस्पिटल में मिले थे? याद है तुम्हें? कितना कितना प्यार था हमारे बीच, सब कुछ इतना अच्छा था। अरे थोड़ी सी लड़ाई हुई और तुम मुझे छोड़ के चली गई। ऐसा कौन करता है गौरी? गौरी प्लीज याद करो ना गौरी। अरे मैंने कहा ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप किसकी बातें कर रहे हैं? आप कौन सी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। गौरी मुझे पता था, मुझे पता था तुम दोबारा मुझे मिलोगी, और देखो तुम मुझे मिल गई। अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। गौरी गौरी याद करने की कोशिश करो, मैं रुद्र तुम्हारा प्यार, तुम मेरी गौरी। प्लीज प्लीज याद करो गौरी, गौरी प्लीज। क्या बदतमीजी है ये? मैंने कहा ना, मेरा कोई प्यार नहीं था। समझ नहीं आ रही क्या आपको ये बात? नहीं, तुम्हें सब पता है, तुम्हें सब पता है ना? मुझे पता नहीं तुम क्यों क्यों मानने को तैयार नहीं हो। प्लीज याद करो प्लीज। अरे आपकी प्रॉब्लम क्या है? हाँ प्रॉब्लम क्या है आपकी? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? एक बार बोला, समझ में नहीं आ रहा आपको? कोई गलत फहमी हुई है, समझे? मैं गौरी नहीं हूं। गौरी, मेरा प्यार तुम्हें फालतू लगता है? ये हम दोनों का वापस ऐसे मिलना तुम्हें फालतू लगता है? तुम्हारा रुद्र तुम्हें फालतू लगता है? इतने सालों तक तुम्हारा इंतजार किया वो भी तुम्हें फालतू लगता है? मैं तो सिर्फ अपने खोए हुए प्यार की तलाश कर रहा हूँ गौरी। मैं कोई गौरी नहीं हूँ, समझे? और दोबारा मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की ना, तो अंजाम बहुत बुरा होगा।